सुंदरपुर गांव में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। उनके पास ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन पति का प्यार था पत्नी के लिए और बीवी का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन क्या हुआ, अब क्या बताऊं, उपवास रखना चाहती थी लेकिन वो भी नहीं रख पा रही हूँ। मेरा नसीब इतना खराब है कि मैं चाह कर भी ये नहीं कर पा रही हूँ। अरे रो नहीं, रो नहीं, क्यों रो रही हो भाग्यवान? तुम्हें अगर मेरी इतनी ही फिक्र है तो जाओ बाजार से मछली खरीद कर लेकर आओ, तभी खुश होंगी मैं। अरे मतलब आज ही? लेकिन कैसे मतलब? हाँ सब पता है, ये नहीं वो नहीं, सिर्फ एक मछली तो मांगी थी मैंने, वो भी नहीं दे सकते हो तुम मुझे, सिर्फ ना ना कह रहे हो। सुन लो, अगर तुम मुझे वो मछली लाकर नहीं दे पाए ना तो मैं पानी में डूब कर अपनी जान दे दूंगी और तब तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने मुझे मछली नहीं खिलाई। अरे रुको रुको रुको, ऐसा नहीं करो। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं कुछ तो करूँगा। अरे बेटा ये मछली कितने का बेच रहे हो तुम, बताओ जरा। हाँ बाबा, 500 रुपए किलो, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो। अरे सुनो, तुम जो कल मछली दिए थे ना वो सब मरी हुई थी, आज उसका दाम वसूल करने आया हूँ मैं। हाँ लेकिन मछली मर गई तो मेरी क्या गलती? अरे मछली मरी हुई थी वो तो ठीक था, लेकिन सारी मछली सड़ी हुई थी। ये कैसी बात कर रहे हो बाबा? अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला के सभी लोगों को यहाँ बुला लूँगा। हाँ अरे अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, इसको देखो ये मरी मछली बेच रहा है। आओ सुनो मेरी बात, देखो देखो इसको देखो। ये कैसी मुसीबत में पड़ गया ऊपर वाले, इसे जल्दी जल्दी मछली देकर यहाँ से भेज देता हूँ वरना मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। दादाजी आप एक काम कीजिए, आज ये मछली मुफ्त में ही ले जाइए। बाप रे बाप। अरे मैं मछली लेकर आ गया हूँ, अब तो मुस्कुरा दो। अरे रहने दो तुम्हारी ये मछली, दूसरों के घर से मुझे कितने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खानों की खुशबू आ रही है, क्या तुमको वो सब समझ नहीं आता? क्या तुम्हारा नाक ये सब सूंघ नहीं पाता? वैसे तो तुम्हारा और कोई नहीं है, सिर्फ एक बीवी तो है और उसकी भी इच्छा तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो, तुम कैसे पति हो? हाँ क्या क्या ये भी मुझे तुमसे मांगना पड़ेगा? हाँ आज ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा खाना बनाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटी, ये खुशबू से घर में हम बैठ नहीं पा रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? असल में मेरी भाग्यवान आज उपास है, लेकिन तुम इतना अच्छा खाना बना रही हो और उसकी खुशबू हमारे घर तक जा रही है तो उसका उपास तो टूट गया ना। हाँ हाँ, जैसे ही कुछ अच्छा खाना क्या बना लिया मैंने, इन लोगों की भूख तो जैसे बढ़ ही गई। क्या मुश्किल है, अब क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, देखता हूँ क्या करूँगा। अरे वाह तुम मिल गए। अरे क्या हुआ दादू? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी पत्नी आज उपवास थी लेकिन उसका उपवास टूट गया, अब चलो तुम देख लेना चलकर, और देखने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो मैं साथ चलता हूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। ठीक किया, अच्छा खाना बनाकर मैंने बहुत सही किया और मैं हमेशा बनाती रहूंगी, तुम लोग सिर्फ सूंघते रहना, समझे तुम? देखे बेटा,
एक तो मेरी भाग्यवान खाने पीने में थोड़ी ज्यादा चटोरी है, ऊपर से ये ऐसे सुना रही है, तो उसमें तुम्हारी दादी उदासी रहेगी ना हमेशा, बताओ। हाँ 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 हा, तुम सही बोले, तुम्हारे पड़ोसी ने सही काम नहीं किया। खुद के घर पे अच्छा खाना बनाओ ये भी नहीं कर सकती, बताइए। नहीं 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 नहीं, वो तुम कुछ भी बोलो, सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। तुम्हारे खाने के खुशबू से जब उनका उपवास टूट गया तो तुम्हें तो इन्हें खाना खिलाना ही पड़ेगा, यही तुम्हारी सजा है। समझ गई, अब तो इन्हें खिलाना ही पड़ेगा। लो लो लो, पेट भर कर खाओ तुम दोनों। अच्छा खाना बनाना ही नहीं चाहिए था मुझे। अरे वाह भाग्यवान, तुम क्या मेरे लिए नारियल का लड्डू बना रही हो? हाँ वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मजा आएगा। मेरे मन में कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि कुछ सही नहीं हो रहा है। क्यों, अब क्या हो गया? अरे गांव के छोटे छोटे लड़कों पर तो भरोसा ही नहीं है, क्या पता अगर उनको खुद को कुछ नहीं मिला तो यही उठाकर ले जा सकते हैं। फिर क्या करूंगी मैं? हाँ, मेरी सारी मेहनत का क्या? अब मैं क्या करूँगी? हाँ। अरे भाग्यवान, तुम उदास क्यों होती है? मैं कुछ ना कुछ उपाय लगा ही लूंगा, तुम देखते जाओ। ठीक है ठीक है। बस बस, अब इसकी खुशबू से सारे बच्चे दौड़ पड़ेंगे। अरे ये लड्डू की खुशबू कहाँ से आ रही है? हमें भी दो ना, दो। अब रहा नहीं चाहता। लड्डू तो तुम्हें मिलेगा बेटा, लेकिन पहले तुम्हें ये चख के देखना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो नारियल के लड्डू है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। लाओ मुझे ये खाने के लिए दे दो। अरे ये लड्डू नहीं, तो मिर्ची के लड्डू है। इतना तीखा, मुंह जल गया। देखा भाग्यवान, अब तुम्हारे लड्डू को ना कोई चोरी करेगा ना कोई हाथ लगाएगा। तुम्हारा लड्डू तो इन सब लोगों से बच गया। उस बूढ़े ने हमें मिर्ची खिलाई थी ना, अब हम उसे मजा चखाते हैं। तुम्हें कैसा मजा चखाता हूँ, देखो अब बहुत मजा आएगा। अरे अरे, ये कौन है? ये इतना शोर कौन कर रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इतना शोर क्यों? चल 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 चल, बूढ़ी दाढ़ी बहुत डर गई है, चल यहाँ से। आपके अभी आने से पहले कुछ भूतों ने हम पर हमला किया। मैं सो रही थी और बाहर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, मैं तो बहुत घबरा गई। अच्छा तो ये बात है, मेरी पत्नी को ये बच्चे डरा रहे हैं। अब देखो मैं इन्हें कैसा मजा चखाता हूँ, आज मैं इन लोगों को उचित शिक्षा दूंगा। मजा, रुको अब मैं चखाता हूँ मजा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? सर्वनाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगी? कल रात को उन भूतों की वजह से मेरा सर्वनाश हो गया, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। ऊपर वाले, मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये सब उन भूतों की वजह से हुआ। अरे दादाजी को ऐसा हो जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। दादाजी के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग मतलब तुम्हें
ऐसे ही यहाँ। तुम लोगों को पता है तुम्हारे दादाजी जब थे उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा ये होगी कि तुम छोटे छोटे बच्चे मिलकर इनके सिर पर लाठी से मारोगे। ये उनकी आखिरी इच्छा थी कि तुम सब ये काम मिलकर करना। बताओ बच्चों, करोगे ना? इस बूढ़े दादाजी की इच्छा पूरी करोगे ना बच्चों? बताओ। अब तो आदमी ही मर गया है तो इनके पीठ के मतलब क्या है? नहीं नहीं, दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी तो करनी ही होगी। अरे तुम सब कहाँ चले गए? हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ इधर। कहाँ गए बच्चों? इनकी इच्छा पूरी करने आओ, जल्दी आओ। ये देखो दादी माँ, हम सब कुछ लेकर आ गए हैं। ये देखो। अरे यहाँ तो अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी है और तुम्हें पकड़ने की तैयारी भी हो चुकी है, समझ गए? अब बोलो। अरे अब क्या होगा, हम तो मर गए। अभी कहाँ मरे हो, अभी तक मरे नहीं हो, अब मरोगे लेकिन। और हमें पहले ही सूचना मिल गई थी कि तुम बूढ़े आदमी को लाठी से पीट पीट कर मारने वाले हो, इसलिए हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब देखो, अब पता चलेगा तुम्हें कि कैसा लगता है मजा। अरे दादाजी तो मरे ही नहीं, ये तो जिंदा है। अरे दादाजी ऐसे मरने वाले नहीं हैं, वो सबको मार के ही मरेंगे। हाँ।